हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के उसी बिंदु को आगे डिस्कस करेंगे जो मैंने श्रेणी क्रम जो स्टार्ट किया था टॉपिक, उसी के अंतर्गत दो भागों में डिफाइंड किया था, और फर्स्ट भाग में यानी संख्या के आधार पर 10 भागों को डिफाइंड किया था और उसमें से 8 भागों पर मैंने डिस्कस कर लिया। आज बचे 2 भागों पर उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। यदि देखा जाए पहला भाग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला भाग यानी कि 10वें पॉइंट के जो 9वां भाग है, उसी का हम लोग देख लेते हैं। समुदाय श्रृंखला क्या है? समुदाय श्रृंखला है। ये जो समुदाय श्रृंखला है ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें पहले हम लोग उस प्रश्नों का हम लोग डिस्कस करने से पहले दो बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि वो जो प्रश्न हैं उनको करने में हमको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। फिलहाल जो वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो दो बिंदु बताने जा रहा हूँ वो जो है, यदि आप उसके माध्यम से करेंगे तो भी आपका उत्तर आने वाला है, यदि नहीं करेंगे तो भी आपका उत्तर आने ही वाला है। हम दोनों नियमों से बता देंगे। जैसा कि इसमें पहला नियम ये कहता है दोस्तों, प्रथम नियम यानी प्रथम पद में जो होता है जोड़ घटाव गुणा व भाग, इसमें जो बताया जा रहा है यानी कि ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो प्रथम पद है इसमें जोड़ने की प्रक्रिया पूछा जाएगा, घटाने की प्रक्रिया, गुणा की प्रक्रिया और भाग का प्रक्रिया पूछा जाएगा। और इसी का आगे क्या कहा जाएगा, दूसरा पद, लेकिन इसके बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद। क्लियर? यानी कि प्रथम पद का योग करेंगे दूसरे पद के साथ, प्रथम पद का घटाव करेंगे दूसरे पद के साथ, प्रथम पद का गुणा करेंगे। यानी कि ये प्रक्रिया जो है एक एक बार पूछी जाएगी। यदि जोड़ पूछा तो ये तीनों नहीं पूछेगा, यदि घटाव पूछा तो ये तीनों नहीं पूछेगा, यदि गुणा पूछा तो ये तीनों नहीं पूछेगा। इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो इसी के अंतर्गत देखिएगा, इसी में ये भी बोला जाता है दूसरा पद, तो दूसरे पद में भी यही प्रक्रिया रहेगी। तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, चौथा पद। क्लियर? अब इसी का हम लोग दूसरा बिंदु देख लेते हैं। जो दूसरा बिंदु है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रथम पद में भी यही श्रृंखला रखी जाएगी, जोड़ घटाव गुणा भाग। तो यहाँ इसके आगे क्या हो जाए प्रोसेस, इसी का आगे प्रोसेस ये हो जाएगा। तो यहाँ तीसरा पद रखा जाएगा, कौन सा, तीसरा पद। तो जब ये प्रथम पद और तीसरा पद का योग करेंगे तो कौन सा पद आएगा, तो मेरा कौन सा पद आ जाएगा, दूसरा पद आएगा। क्यों दूसरा पद, किस लिए, हम तीसरे और पहले पद को जोड़ लें तो बीच वाला ही पद आने वाला है ना। तो ये श्रृंखला होती है, इसी के माध्यम से सब बनाया जाता है। जैसा कि यहीं पर ये हो जाएगा तीसरा पद, तो जोड़ की श्रृंखला वही रहेगी, ये तीनों श्रृंखला, चारों श्रृंखला यही रहेगी, जोड़ घटाव
गुणा भाग। तो यहाँ प्रोसेस जो हो जाएगा, तो यहाँ तीसरा पद है, तो यहाँ कौन सा पद हो सकता है आप लोग बता सकते हैं, ये बहुत ही, लेकिन यहाँ आप लोग तीसरा पद मत रखिए, तीसरा पद रख देंगे तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी इसके और आगे आने वाले पदों पर। तो यहाँ हम लोग चौथा पद रखेंगे, कौन सा, चौथा पद, कौन सा, चौथा पद रखेंगे, जिससे कि हमारा अगला पद आने में क्या हो, समस्या ना हो। जब हम लोग चौथा पद पकड़ेंगे तो पांचवा पद को छोड़ेंगे, कौन सा पद रखेंगे आप लोग बताइए, जब पांचवा पद को छोड़ेंगे तो कौन सा पद रखेंगे, यहाँ हम लोग छठवा पद रखेंगे, कौन, छठा पद, तो यहाँ कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा, पांचवा पद मेरा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये श्रृंखलाएं हैं जिनके आधार मैं क्या करूँगा, प्रश्न सॉल्व करूँगा। लेकिन देखिए, जैसा कि वही जो प्रश्न है, मैं इसको नहीं बल्कि इसी को थोड़ा दिमाग में कुछ शब्दों को पकड़ कर रखेंगे, यानी पहला पद दूसरे पद को ऐड करने पर तीसरा पद प्राप्त होगा। जब यही हम लोग दूसरा पद और चौथा पद पकड़ेंगे तो हमारा तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इनकी एक एक पदों का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, गैप होगा। तो यहाँ समुदाय श्रृंखला वाला बताया जा रहा है, समुदाय श्रृंखला, यहाँ जितने भी समुदाय श्रृंखला के रहेंगे वहाँ सभी एक एक पदों का अंतराल करते हुए हमको क्या करना है, पता लगाना रहता है। लेकिन कहीं ऐसा हो जाता है कि पदों का अंतर ना करके हमको सीरियल क्रम में भी सॉल्व करना पड़ता है, ये ध्यान देना है आपको, ओके। तो जैसा कि इसको देखा जाए, इसी पर एक प्रश्न है, मान लीजिए कि प्रश्न कुछ इस प्रकार है, नाइन इलेवन ट्वेंटी थर्टी वन और इसी का गया है 51 और क्वेश्चन मार्क, इतनी बात क्लियर। तो इसमें हमको ये पता लगाना है, ये पता लगाना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद होगा। जैसा कि यदि इस पर देखा जाए तो इसमें सीरियल क्रम में दिखाया जा रहा है, 9 और 11 का ऐड करने पर मेरा क्या प्राप्त हुआ है, 20 प्राप्त हुआ है। और जब यही 20 और मेरा 11 ऐड किया जाएगा, 20 और 11 ऐड किया जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 31 मेरा प्राप्त हो जाएगा। 20 और 31 को ऐड करेंगे, 20 और 31 को ऐड करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, अगला पद मेरा 51 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग 31 और 51 ऐड करेंगे, एक एक कितना हो जाएगा, 2, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कितना प्राप्त हो जाएगा, 82 मेरा प्राप्त हो जाएगा, किसको किसको ऐड करने पर, 31 और 51। यानी कि इसमें ये दिखाया जा रहा है, फर्स्ट पद प्लस सेकंड पद इक्वल क्या आ जाएगा, थर्ड पद, ये क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, यदि पहले नियम के अनुसार देखा जाए तो ये सीरियल क्रम में ही जोड़ा जा रहा है, सीरियल क्रम में ही जोड़ा जा रहा है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तब अगला पद प्राप्त हो रहा है। ये अंतराल में, ये इसमें अंतराल लगेगा, यानी कि एक एक पदों का गैप इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, करके चलना पड़ेगा, तभी मेरा अगला पद आने की संभावना है। तो इसी प्रकार यदि हम लोग तीसरे पद प्लस चौथे पद को ऐड करेंगे, कौन सा, पांचवा पद प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो श्रृंखलाएं बनाई गई हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्रृंखला हैं, जिसके अंतर्गत ये नियमों का क्या हमको पालन करना पड़ता है। जैसा किसी का एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, इसको रख किया जाए दोस्तों, अब इसी के आगे हम लोग एक प्रश्न को और देख लेते हैं। जैसा कि देखिएगा दोस्तों, नौ लीजिए, 11, 31 क्वेश्चन मार्क और 51, एक बार हम लोग मैचिंग कर लेते हैं, 9, 20,
11, 31 क्वेश्चन मार्क और 51। तो इसमें क्या होगा, ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो प्रोसेस रहेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये दूसरा और क्या तीसरे पद को ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देख सकते हैं, ये जो प्रक्रिया है देखिएगा आप लोग। पहले इसमें जो प्रोसेस है इसमें मुझे क्या बताया जा रहा, प्रथम पद और तृतीय पद, तब क्या प्राप्त होगा, दूसरा पद मेरा प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको और इसको ऐड करने पर मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। क्या 20 प्राप्त हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। जब 20 हमको प्रथम और तीसरा पद, प्रथम और तृतीय पद को ऐड करने पर दूसरा पद प्राप्त हो रहा है, तो अगला इक्वेशन क्या होगा। तो अगला इक्वेशन आप लोग जान सकते हैं कि ये हो जाएगा प्रोसेस क्या, जब हम लोग 51 और 31 को ऐड करेंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो मुझे ये मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो इसको आप लोग एकदम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, मेरा प्रक्रिया जो है 82 प्राप्त हो जाएगा। क्या 82 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, इससे भयभीत नहीं होना है आपको। ये सभी प्रश्न को पकड़ना बहुत अनिवार्य है, इसीलिए सभी ये बिंदु मैंने डिफाइन करके आपके सामने रखा। तो इसी के आगे मिश्रित श्रृंखला है, उसको उस पर सिर्फ एक प्रश्न पर चर्चा करूँगा, जिससे कि वो भी क्या हो जाए, ये 10 पॉइंट को जो है आज समाप्त कर दिया जाए। जैसा किसी का हम लोग एक भाग है बचा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित श्रृंखला। आरंभ करते हैं दोस्तों। तो इसी पर एक टॉपिक और छूट रही है, जो शेष बच रही है 10वें पॉइंट पर देख लिया जाए। मिश्रित श्रृंखला, तो इसमें जो पॉइंट है इस पर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, एक प्रश्न पर सिर्फ चर्चा करेंगे, जिससे कि ये क्या हो जाए, स्पष्ट रूप से समाप्त किया जा सके। और इसके आगे आने वाले क्लासों में कुछ समय मिश्रित श्रृंखला कुछ मैं प्रश्न दे दूंगा, जिससे कि आपका स्पष्टीकरण हो जाए। इस पर ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाया हूँ मैं, एक ही प्रश्न बनाया हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो प्रोसेस रखा गया है ये बहुत ही क्लियर करने वाली बात है। देखिएगा इसमें जो है, यदि देखा जाए सीरियल क्रम में, सीरियल क्रम में तो इसमें और इसमें एक को ऐड करने पर 3 मेरा प्राप्त हुआ है। अगली संख्या जो प्राप्त हुई है एक, यानी कि 3, 2 में एक को यदि ऐड करेंगे तभी मेरा क्या होगा, अगली संख्या प्राप्त होगी। उसी प्रकार 3 में जब मैं 2 को ऐड करूंगा तभी मेरी अगली संख्या 5 प्राप्त होगी। उसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, जब मैं यहाँ, तो प्रोसेस हो गया, एक को मैंने ऐड किया, यहाँ पर मैंने 2 को ऐड किया, वहाँ पर क्या हो सकता है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, फंक्शन यही पर होगा क्या, 2 ऐड करने पर क्या होगा, प्राप्त होगा मेरा 7। लेकिन यहाँ इसके आगे जो प्रक्रिया रहेगी, यहाँ मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। क्या 4 ऐड करना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 मेरा प्राप्त होगा। यदि यही इसी के आगे देखा जाए
तो यहाँ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, दो ऐड करना पड़ेगा। दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 13 प्राप्त होगा। और 13 में यदि हम लोग 4 ऐड करें, यानी कि यहाँ मान लीजिए क्या है, यहाँ 17 है, तो यहाँ यदि हम लोग 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 17 प्राप्त हो जाएगा। और 17 में यदि मैं 2 को ऐड करूँ तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 19 प्राप्त हो जाएगा। इसमें कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ जो श्रृंखला दी गई है यह मिश्रित श्रृंखला के अंतर्गत आती है। इसमें एक भी जोड़ा जा रहा है, दो भी जोड़ा जा रहा है, सीरियल क्रम में भी जोड़ा जा रहा है और अंतरालों में भी जोड़ा जा रहा है। यानी कि एक को जोड़ा पहला पद में 3 प्राप्त हुआ, 3 में 2 को जोड़ा 5 प्राप्त हुआ, 5 में 2 को जोड़ा 7 प्राप्त हुआ, लेकिन 7 में 4 को जोड़ा क्या हुआ, 11 प्राप्त। यहाँ 2 का डिफरेंट हुआ, यहाँ 2 को मैंने ज़्यादा बढ़ा कर रखा तब मेरा 11 प्राप्त हुआ, जब यहाँ मैंने 4 में 2 को घटा कर रखा तो 13 प्राप्त हुआ, फिर 2 को बढ़ाया। यानी कि निरंतर इसमें क्या रहेंगे, मिश्रित श्रृंखला की यही पहचान रहेगी, ये सभी पदों से क्या रहेगा, मिला रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा, यही मिश्रित श्रृंखला की पहचान है। तो दोस्तों ये जो संख्या पर आधारित 10 बिंदु थे वो क्या हुए, आज समाप्त हुए। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।